तो लव हॉस्टल विक्रांत मैसी, सानिया मल्होत्रा और बॉबी देओल की फिल्म जी फाइव पर रिलीज हो गई है। मैंने इस फिल्म को देख लिया है। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फिल्म को देखकर वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फिल्म की जो लंबाई है वो 1 घंटा 40 मिनट की है और इसी वजह से फिल्म आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखेगी और आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। कहानी की बात करें तो विक्रांत और सानिया की कहानी है। दोनों के बीच प्यार हो जाता है, लव हो जाता है, शादी कर लेते हैं, लेकिन दोनों के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो फैमिली वाले हैं, वो खिलाफ़ होते हैं। इसीलिए जो सानिया के फैमिली वाले हैं वो एक प्रोफेशनल किलर को हायर करते हैं। उसका रोल निभाया है बॉबी देओल ने। ट्रेलर में आपने देखा ही होगा कि बॉबी देओल किस तरह से अपनी बंदूक चलाते हैं, किस तरह से मर्डर करते हैं। तो बॉबी देओल का जो काम है वो बहुत अच्छा है। इसका जो स्क्रीन प्रेजेंस यहाँ पर है वो बहुत अच्छा है। कैरेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों का काम बहुत अच्छा है। मुझे पर्सनली तीनों का काम बहुत ही अच्छा लगा। विक्रांत मैसी तो आपको पता ही है कि पिछले कुछ जो फिल्में आई है, कुछ वेब सीरीज आई है, विक्रांत मैसी ने ज़बरदस्त काम किया है सब में। तो इसी तरह का काम हमें यहाँ पर विक्रांत मैसी का देखने को मिलेगा। बॉबी देओल का भी आपको पता है, जैसे जैसे उनकी अगली फिल्में आती रही है, जैसे जैसे उसकी नया कॉन्टेंट आ रहे हैं, अपना जो काम है उसमें वो सुधार काफ़ी ला रहे हैं। तो इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया है। अगर हम लोग कहें कि तीनों ने अपने परफॉर्मेंस को निभाने में अपनी जान डाल दी है तो ये बात गलत नहीं होगी। एक प्लस पॉइंट है। कैरेक्टर की डेपनेस की बात करें तो सिर्फ सरफेस लेवल तक ही उसको दिखाया गया, मतलब उस डेप में कुछ दिखा नहीं गया है, सिर्फ सरफेस लेवल तक उसको डेवलप किया गया है, तो ये एक थोड़ा खलता है। बाकी स्टोरी अच्छी है, एक अलग है, देखने में मज़ा आएगा। स्क्रीन की लंबाई कम है इसलिए आप स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रहेंगे और बोर भी नहीं होंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। बाकी म्यूजिक एंड प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो भी डिसेंट है। और बॉबी देओल जो धाड़ 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 करके एक्शन करते हैं, जो गोलियाँ चलाते हैं, वो भी हमें देखने में काफ़ी मज़ा आता है। कहानी को दोस्तों आज के जो दौर में हो रहा है वो दिखाने की कोशिश की गई है। आज भी जो छोटे शहर है, जो छोटी सिटी है, वहाँ पर लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करते। वो लोग मानते हैं कि लव मैरिज करना एक गुनाह है और स्पेशली अलग अलग रिलीजियंस में लव मैरिज करना एक गुनाह है। और अगर भूल से भी दो लड़के लड़की एक लड़का लड़की ने अलग अलग रिलीजियंस में शादी कर ली तो फिर अपने परिवार वाले दोनों के दुश्मन बन जाते हैं, और किस हद तक जाते हैं वो आपको इस मूवी में दिखाया गया है। मानते हैं कि बड़े शहरों में अब लव मैरिज एक्सेप्ट करने लगे हैं, वो चाहे किसी भी रिलीजन से हो, लेकिन यहाँ पर कहानी छोटे शहर की दिखाई गई है और छोटे शहरों की जो हकीकत है वो यहाँ पर दिखाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं मेकर्स फेल रहे हैं। दिखाया है जो दिखाना चाहते थे वो दिखाने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं फेल रहे हैं, और कहानी को प्रेजेंट करने में भी थोड़ा खलता है। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये देखने लायक है, इसको आप एंजॉय कर सकते हैं इस वीकेंड पे। दूसरा कंटेंट है जो देखने लायक है, पहली तो अजीत कुमार की फिल्म जो थी वाली में, उसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी लव हॉस्टल है, उसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो दो कंटेंट तो ऐसे रिलीज़ हो गए हैं जिसको आप इस वीकेंड ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। ये आपको मूवी जी फाइव पर देखने को मिल जाएगी। अब बाकी जो दूसरे कंटेंट है, गंगूबाई काठियावाड़ी और नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ फेम गेम, अब वो देख के मैं आपको बताऊँगा कि भाई उसमें क्या सीन है, क्या डिटेल है। तो आपने अगर लव हॉस्टल देख ली है तो फिर कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू मुझे दे दीजिए, और आपने अगर नहीं देखी है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि लव हॉस्टल को आप एक बार देख सकते हैं। मैं इस वेब सीरीज़ को 5 में से 3 स्टार देने वाला हूँ। धन्यवाद।